नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित खरब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नए अपकमिंग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि लॉन्च हो गया है सेक्टर 68 गुरुग्राम के अंदर। और 68 जो सेक्टर है वो सोना रोड पे भी लगता है और उसका एक्सेस है आपका SPR रोड से भी। तो दो मेजर रोड से 68 की कनेक्टिविटी पड़ती है। 68 की क्या लोकेशन है, क्या इसके अंदर इंटर डेवलपमेंट आने वाली है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। YouTube के ऊपर ज़्यादातर आपने साइट विजिट या प्रोजेक्ट की डिटेल तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, तो शायद ये चीज़ें नहीं देखी होंगी जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ इंटरनल डेवलपमेंट की बात करने वाला हूँ कि इस सेक्टर की एक्चुअल में कनेक्टिविटी कहाँ से और कैसे इसकी आगे जाके डेवलपमेंट होनी है, कहाँ पर गवर्नमेंट क्या प्लान करेगी, क्या आपके लिए ये प्रोजेक्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, या आपके रहने के लिए या आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, कितनी कार पार्किंग इसके अंदर आएंगी नहीं आएंगी, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, इसके अंदर एक हाई एक्सटेंशन वायर भी इसके ऊपर से जाती है और कहां से जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसका पूरा लाइसेंस कैसा है, क्योंकि वीडियो तो लंबी बनेगी अगर आपको चीज़ें चाहिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैं इस अफोर्डेबल में डील नहीं कर रहा हूँ, और क्योंकि मैंने अफोर्डेबल में डील करना बंद कर दिया है। बेसिकली मैं अपने प्रोजेक्टों में ही बिजी हूँ, तो आप इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग कॉल ना करें। जस्ट ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मार्केट से ना मिले यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगी। आपके जो भी डाउट है मुझे पता है आपके क्या क्या डाउट है, वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगा स्टेप बाई स्टेप। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप इस प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग जो डिटेल है वो ले सकेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बार मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रीना ग्रुप का प्रोजेक्ट है और हानू रेजिडेंसी के नाम से ये प्रोजेक्ट का नाम है। और आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऊपर जाके फिल कर सकते हैं, किसी को कॉल करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑनलाइन अप्लीकेशन फिल करना है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डरा देते हैं, डराने वाली ऐसी कोई बात है नहीं है। आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट पर जाके इसके ऊपर आप खुद अकाउंट बना के आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से आपके डायरेक्ट 5% की पेमेंट है वो कटेगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप इसके अंदर पेमेंट डाल सकते हैं। फिजिकली एप्लीकेशन है वो काफ़ी टाइम से है वो बंद हो चुके हैं। ऑनलाइन का प्रोसेस ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा ही बनाया गया था। पहले आपने देखा होगा जब अफोर्डेबल आए थे तो आपको बैंकों के अंदर एप्लीकेशन लेके तब इसको फिल करना होता था, तो आज सिस्टम में थोड़ा है बदल गया है। काफ़ी लोगों की शिकायत भी है कि ड्रो है वो थोड़े फेयर नहीं होते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं उसको शुरुआत में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये सेक्टर 68 है, क्या ये आपके लिए रहने लायक है या नहीं है, लोकेशन कैसी है और किस प्रकार से इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो आगे आने वाली है। मैं आपको इस सेक्टर की एक बार टोटल डेवलपमेंट क्या है वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आपको टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट के ऊपर लेके जाऊंगा, कैसे इसको सर्च करना है, इसको अप्लाई करना है, वो सारी डिटेलें मैं वहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा इस प्रोजेक्ट का लाइसेंस, इसका लेआउट कैसा है इस प्रोजेक्ट का और कहाँ से हाई एक्सटेंशन वायर है वो आने वाली है। तो दोस्तों, तब तक मैं डेस्कटॉप ओपन कर रहा हूँ, तो आप दोस्तों एक काम ज़रूर कर दीजिएगा, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट आप जरूर कीजिएगा। डेस्कटॉप पे चल के इन चीज़ों को समझ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन कुछ आपके लिए काम की होगी। ये दोस्तों, आपने ज़्यादातर प्लानिंग देखी होगी तो 2031 गुड़गांव मास्टर प्लान देखा होगा, जिसमें सेक्टर जो है वो दिए गए हैं, रोड दिए गए हैं, लेकिन ये प्लानिंग नहीं देखी होगी जिसके अंदर इंटरनल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी कि भाई जो सेक्टर है वो कितने एकड़ का है, कैसे क्या है। तो हम बात कर लेते हैं सेक्टर आपके 68 के अंदर, जिस एरिया के अंदर आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सेक्टर है ये टोटल है 935 एकड़ का, टोटल लैंड है इस सेक्टर के चारों तरफ से। अगर हम इसके अंदर बात करें अंडर कमर्शियल इंस्टीट्यूट यूज क्या है, कितना इंस्टीट्यूशनल है, कमर्शियल इसमें 35 एकड़ है इस सेक्टर के अंदर, इंस्टीट्यूशनल यानी यूनिवर्सिटी है वो आपकी बनेगी 476 एकड़ के अंदर, एक इसमें यूनिवर्सिटी भी आ रही है, तो इसका मतलब सेक्टर अच्छा है अगर यहाँ यूनिवर्सिटी है तो। उसके बाद इसमें अगर कोई गाँव आता है, जैसे बादशाहपुर इसमें गाँव आता है, तो वो है 22 एकड़ का,
जो ग्रीन बेल्ट है 22 एकड़ की, और जो विलेज की जो आबादी है यानी जो एकड़ है वो 55 एकड़ का है। तो नेट जो प्लान होगा जो गवर्नमेंट का होगा वो रहेगा 216 एकड़ प्लस 130 एकड़ का हाई डेंसिटी जोन है जो कि इसके अंदर 130 एकड़ के अंदर आने वाला है। उसके बाद इसमें एक 220 kV ESS आपका ESS जो इलेक्ट्रॉनिक वो पार्ट रहता है वो रहता है 22 एकड़ का। इसमें एक पुलिस स्टेशन भी आएगा, वो आएगा 2 एकड़ का। तो ये नेट प्लानिंग है आपके सेक्टर 68 की जो गवर्नमेंट करने वाली है। तो इसमें आपने टोटल लैंड देख ली, कमर्शियल देख लिया, यूनिवर्सिटी देख ली कितनी आएगी, इसमें ग्रीन बेल्ट है, विलेज आबादी भी है, हाई डेंसिटी जोन भी इसके अंदर आता है, पुलिस स्टेशन भी है। अब बात करते हैं कि ये जो सारी चीजें सेक्टर 68 में कहाँ पे आ रही हैं। सेक्टर 68 यानी ये है आपका सोना रोड, जो एलिवेटेड कॉरिडोर है जो आज के टाइम में रनिंग है। दूसरा ये एक रोड निकलना है जो 60 मीटर वाइड रोड है, ठीक है, जो इंटरनली जा रहा है फिर सेक्टर 70A के, ये 60 मीटर रोड इधर है, फिर 60 मीटर रोड आएगा इधर से ऐसे, और फिर ये 90 मीटर एक गुड़गांव के बिल्कुल ऊपर ही ऊपर निकलना है जो सीधा आपके एक्सटेंसर रोड फरीदाबाद घाटागांव से होता हुआ वहां पे जाके कनेक्ट होगा। उसके बाद इधर जाते हैं तो मानेसर चले जाएंगे, तो ये ऊपर ही ऊपर निकलना है। तो यहाँ पे 60 मीटर इधर है आपका, 60 मीटर इधर है, और 190 मीटर इधर है, और 150 मीटर आपका इधर आता है टोटल। तो ये है सेक्टर 68 की लोकेशन। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर इंटरनली जो 24 मीटर रोड है जो सोना रोड की तरफ से कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी आनी है, ये सोना रोड है, और ये जो पार्ट आता है ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट है पूरा यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे आपकी आएगी यूनिवर्सिटी, इसके अंदर मार्क है, ये रहे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशनल यानी यूनिवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे एक माहिरा का प्रोजेक्ट है, वहाँ पे आपने ये मेन रोड पे देखा होगा 220 kV ESS बना हुआ है बिजली का, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यहाँ पे है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का पार्ट यहाँ भी आता है, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का एरिया ये आ जाएगा। एक्चुअल में ये थोड़ा है क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है समझने में, दिखेगा नहीं। उसके बाद 24 मीटर के रोड, जैसे कि ये 24 मीटर का रोड ऐसे निकलेगा जो आगे 60 मीटर में जाएगा, फिर ये 24 मीटर यहाँ से निकलेगा, और फिर 24 मीटर यहाँ पे निकलेगा और ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आपका माहिरा का जो प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे था, और एक रोड जा रहा है जो M3M के पास जा रहा है, ये 24 मीटर रोड ये वाला है, ये 24 मीटर रोड है, फिर ये 24 मीटर रोड है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा उसके M3M के प्रोजेक्ट है, ये हाई डेंसिटी जोन आता है जो रेजिडेंशियल का पार्ट है, ये लिखा हो ना HD जोन, यहाँ पे HD जोन है, ये 24 मीटर रोड है। तो इसी एरिया के अंदर आपका जो अफोर्डेबल है प्रीना का, वो आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये लोकेशन पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे ये नारपुर झारसा यानी एक गांव है जो यहाँ पे आएगा। उसके बाद के अपोजिट में पड़ता है जी सेक्टर 69, जो डायरेक्ट SPR रोड से कनेक्टेड है, ये जो रोड है सीधा आपका SPR रोड से आता है, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी है और ये चीजें हैं जो सेक्टर 68 के लिए आनी है, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइड के ऊपर और इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बार हम थोड़ा सा लाइसेंस को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका लेआउट है एक्चुअल में है कैसा। इस प्रोजेक्ट के ऊपर ही ऊपर ये 220 kV हाई एक्सटेंशन लाइन है, ये ऑलरेडी वहां पे है, और इसके नीचे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जो आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये 2 व्हीलर्स की कार पार्किंग का स्पेस है। इसके नीचे ये सारा 2 व्हीलर्स कार पार्किंग का है। अगर आप जाके रेगा की साइड पे देखेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ है, आपको अगर दिख जाए वीडियो में, ये लिखा ना पार्किंग फॉर 2 व्हीलर्स के लिए, ठीक है। यहाँ भी पार्किंग फॉर 2 व्हीलर्स के लिए, ठीक है। चिल्ड्रन कॉमन एंड सिटिंग एरिया, उसके बाद यहाँ फिर पार्किंग 2 व्हीलर्स के लिए। मुझे गाड़ियों के लिए यहाँ कोई पार्किंग नजर नहीं आई जो कि गाड़ियों के लिए पार्क हो सकती है, ठीक है। इसमें टोटल मिला के 8 टावर हैं और 10 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इसकी जो मेन एंट्री रहेगी वो 30 मीटर वाइड रोड से रहेगी, यहाँ पे 30 मीटर वाइड रोड है। फिर यहाँ से एक रेवेन्यू रास्ता है जो गांव के लिए जाता है, टीकली गांव के लिए, ये वाला रोड है, ठीक है, टू भाटसापुर। अभी आप इसी रोड से आएंगे। उसके बाद अगर मैं टावर की बात करूँ तो इसमें टावर एक ये है, टावर नंबर 2 जो है G+24 का, इसमें है 194 यूनिट,
ये टावर नंबर 1 है G+24 का, 192 यूनिटीज के अंदर आएगी। उसके बाद यहाँ पे ये कमर्शियल पार्ट है ग्राउंड फ्लोर का, यानी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर आएगा कमर्शियल 02। उसके बाद अगर हम अदर टावर की बात करें, टावर नंबर 3 G+23 187 यूनिट है, फिर टावर नंबर 4 G23 187 यूनिट। उसके बाद अगर इधर बात करें तो यहाँ पे आ जाता है टावर नंबर 7 G23, टावर नंबर 8 G23, यानी 23 स्टोरी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद बात करें टावर नंबर 5, इसमें S19 यानी स्टेट कार पार्किंग है टावर नंबर 5 के अंदर, जो कि 19 स्टोरी रहेगा, यूनिट इसमें 152 है। उसके बाद टावर नंबर 6 है जिसके अंदर S13 यानी 13 स्टोरी फ्लोर है, इसमें 104 यूनिट है, इसमें स्टिल्ट कार पार्किंग हो सकती है क्योंकि नीचे स्टिल्ट दे रखी है। उसके बाद ये टोटल 8 टावर हैं। और फिर दूसरा नंबर इसका यहाँ पे कमर्शियल आ जाता है 2, यानी 2 कमर्शियल इसके अंदर है, कमर्शियल नंबर 1 कमर्शियल नंबर 2। उसके बाद यहाँ भी प्रपोज 30 मीटर वाइड रोड है जो कि सीधा जाएगा आपका सोना रोड के ऊपर। अगर हम टावर वाइज अगर इसकी डिटेल निकालने की कोशिश करें तो टावर वाइज अगर समझने की कोशिश अगर आप कर सकते हैं तो वीडियो रोक लेना। टावर नंबर 1 G+24, ये टावर नंबर टोटल 8 है, उसके अंदर कम्युनिटी सेंटर कैसे बनेगा, आंगनबाड़ी कैसे बनेगा, कमर्शियल 1 और 2 कैसे रहेगा, ये पूरी इसके अंदर बेसमेंट पार्किंग रैंप कहाँ बनेंगे पूरी डिटेल इसके अंदर दी हुई है। अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको एक बार थोड़ा सा है ट्राई कर लेना, क्योंकि हम बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऊपर, अब आपको अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने गूगल में टाइप करना है tcphariana.gov.in, ठीक है, उसके बाद आपने कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद ये वाला जो सेक्शन है राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर ई ड्रॉ अप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेजिडेंशियल जो अवेलेबल हैं अफोर्डेबल, जैसे कि MRG प्रीमार, ये इसकी जो डेट है लास्ट डेट है वो 22/8/2023 है। तो अभी जो लाइव होगा वो हानू रेजिडेंसी, ये 2 नंबर पे आएगा, प्रोजेक्ट ID 158, इसका ऑनलाइन 14 अगस्त को ये लाइव हो चुका है और 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। आइए चलते हैं प्रोजेक्ट डिटेल जानते हैं। आपने उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है डिटेल ऑफ द ड्रॉ। उसके लिए आपने अगर अप्लाई करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे ये लॉगिन यूजर रजिस्ट्रेशन आपने कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आप आगे एप्लीकेशन फिल करेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे सिर्फ आपको एक डिटेल के थ्रू आपको ये प्रोजेक्ट समझाने की कोशिश कर लेते हैं कि आपको किस हिसाब से ये प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। इसका ये लाइसेंस नंबर इधर है, ये प्रोजेक्ट का लाइसेंस नंबर हो गया, इधर आपका लाइसेंस हो गया। उसके बाद ये प्रोजेक्ट की डिटेल है, टोटल है 10 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट आ रहा है, 1 BHK एंड 2 BHK के अपार्टमेंट इसके अंदर हैं। आपके जो अफोर्डेबल का जो रेट लगेगा वो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपका कारपेट रेट रहेगा और 1,200 रुपये आपका बैल्कनी का रेट है वो यहाँ पे लगेगा आपके फ्लैट के ऊपर, ये आपको पे करना पड़ेगा टोटल जो भी आपका रेट बनेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये प्रोजेक्ट की डिटेल होगी मोटी मोटी। उसके बाद 10 एकड़ की टाउन लैंड हो गई हमारे पास, और बाकी ये ड्रो अगर ड्रो देखें तो इसके अंदर 28 सितंबर को जाके इसका ड्रो होना है। इसमें पेमेंट जो पेमेंट एंड हो जाएगी वो हो जाएगी 29 अगस्त को और लास्ट डेट है आपकी 31 अगस्त, ठीक है, यानी 29 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रेरा रजिस्ट्रेशन डेट है 26/6/2023। उसके बाद अगर हम प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश करें तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे वैसे ये 2 BHK है तो इसके अंदर टाइप 1 है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना टाइप 1, और इसके अंदर 557 टोटल यूनिट है, कारपेट एरिया 645, 5,000 रुपये का रेट है, बैल्कनी एरिया 112 स्क्वायर फिट की है, ठीक है, जो कि बैल्कनी का जो रेट रहेगा 1200 स्क्वायर फिट का। इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको 5% की जो पेमेंट है 1,61,460 रुपये आपको इसमें फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद टाइप 2 है, इसके अंदर 487 यूनिट है, कारपेट यही है सेम टाइप है। उसके बाद जो है एक ये है मैनेजमेंट कोटा का, जिसमें MQ कोटा है,
इसमें 70 यूनिट है, टोटल 645 कारपेट है और 206 स्क्वायर फीट की बालकनी इसके अंदर आती है। इसमें ऑनलाइन 1,61,460 रुपये आपको फिल करने हैं, जो गवर्नमेंट जो फीस रहेगी उन 590 रुपये आपको चार्ज करना है। ये दो साइज आपके आते हैं 1 BHK के, जिसके अंदर यूनिट और जो डिटेल हैं वो आप एक बार देख लेना। इनमें 128 इनमें यूनिट आती है, 375 इसका साइज है और 382 स्क्वायर फीट का इसका साइज है। बालकनी 104 और 106 स्क्वायर फीट के इसके अंदर बालकनी आती है। अब पॉइंट आता है भाई आपकी एफिडेविट का। एफिडेविट देखिए, ये है ना जो आपका स्कीम नंबर 1, ये एफिडेविट है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो एफिडेविट है वो हो जाएगी डाउनलोड। इस पे आपने क्या करना है, इस पे इन्होंने मांगा है 10 रुपये का। आप एक टिकट ले लेना, इसको प्रिंट निकाल लेना और अपनी डिटेल वगैरह इसमें फिल कर लेना, आधार नंबर डाल देना, जिसके हिसाब से जिसके नाम से भर रही है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल देना, फिल कर देना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 10 रुपये की जो टिकट है वो आपने यहाँ पे लगा लेनी है और नोटराइज करा लेना, यानी स्टैंप कोर्ट में जाके यहाँ पे लगवा लेना है आपने। और आपकी जो यहाँ पे आपने साइन करने हैं, यहाँ साइन करने हैं और यहाँ पे साइन करने हैं, फोटो उतार के आपने आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ आपने फिल कर देना है। ये कैटेगरी है नंबर 4 के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हमें थर्ड कैटेगरी अगर डाउनलोड करनी है तो सेकंड सेक्शन में हम जाएंगे 2 नंबर पे, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद सेम कंसेप्ट इसके अंदर आएगा। वैसे ही हमने 10 रुपये की जो स्टैंप जो नोटराइज है वो हमने यहाँ पे कर लेनी है, अपना डिटेल वगैरह सब कुछ डाल आपने यहाँ पे डाल देना है। डालने के बाद आपने फिर वैसे ही कि साइन वगैरह करके फोटो उतार के यहाँ पे आपने लगा लेने हैं, तो ऐसे यहाँ से आपको मिलेगी एफिडेविट। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स के बारे में, लेआउट के बारे में। तो उसके बाद यहाँ पे इस थर्ड पे अगर हम डाउनलोड करेंगे तो हमें शायद इसके लेआउट हैं वो देखने को मिल जाए यहाँ पे। तो ये थोड़ी सी बड़ी MB की हैं तो टाइम लग सकता है, हाई उसके अंदर होती हैं। तो आप यहाँ पे जाके आप लेआउट को चेक कर सकते हैं, ये टावर का पूरा लेआउट है। आप इसको जूम करके देख लेना क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी बन चुकी है, तो आप इसको एक एक चीज़ें आप देखोगे तो आई थिंक आप लोगों को ना ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसमें पूरे जो प्लान है वो दिए गए हैं, आप लोगों को कहीं कुछ जाके कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ टाइप वाइज टावर की डिटेल वगैरह पूरी कंप्लीट दी हुई है, ये सारी डिटेल है इसके अंदर है। ऐसे ही दूसरे का है, अगर इसको भी आप देखोगे डाउनलोड करके तो इसमें भी आपको अलग टावर का जो डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर भी सेम वैसे ही भाई, किस टाइप का टावर है, किस हिसाब से चीज़ें आनी है, लेआउट किस टाइप का है, वो पूरे ये सारे लेआउट ही हैं, ठीक है। तो आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देखने को मिलती है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का बहुत बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की एक्चुअल डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जो चीज़ें बताई जाती हैं और चीज़ें देखी जाती हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है। तो दोस्तों ये चीज़ें थी, आई थिंक आप इसके ऊपर समझ भी गई होगी कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप ट्राई करके देख लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से आप ये चीज़ें समझ गए होंगे और आपको अब किसी भी प्रकार के जो वीडियो है YouTube पे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिटेलें थी वो मैंने इस वीडियो में दे चुका हूँ। और अगर फिर भी चीज़ें नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देख के दोबारा वो कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, एक वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो स्टेप बाय स्टेप देख के आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। अगर बाय चांस आपका फ्लैट नहीं निकलता है तो कुछ टाइम के बाद आपके जो पैसे हैं वापस आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। रहने के लिए सेक्टर अच्छा है, टाइम देना पड़ेगा क्योंकि 4 साल में तो वैसे ही प्रॉपर्टी मिलेगी। आज के हिसाब से नहीं देखना कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। गुड़गांव के अंदर बहुत सारे गाँव हैं, गुड़गांव के सेक्टरों के अंदर गांव है, अगर वहां भी प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो बहुत करोड़ों की प्रॉपर्टियां मिलती हैं। तो अगर आपके मन में ये डाउट रहता है हमेशा कि प्रॉपर्टी के बगल में गांव है तो ये आपकी गलत फहमी है। इसमें मत रहो, प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो क्योंकि फिर अफोर्डेबल नहीं मिलेंगे। ऑलरेडी जिन्होंने जिनके पास दो दो तीन तीन अफोर्डेबल हुआ करते थे किसी टाइम अप्लाई किए हुए, वो कैंसिल करके बैठे हुए हैं। ऐसे मैंने कई एग्जाम्पल ऐसे मेरे सामने आए हैं कि जिनके पास ऑलरेडी पुराने रेटों में अप्लाई किए हुए निकले हुए कैंसिल कर दिए लोगों ने, तो वो खुद एक लॉस में चले गए हैं। तो दोस्तों ट्राई कर लो, भर लो, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर लो और शेयर भी कर दो
ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक्चुअल में प्रोडक्ट की डिटेल है क्या, ठीक है, लोकेशन कैसी है। हाँ, भरने से पहले लोकेशन जरूर देख के आओ, जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आजकल लोग आलसी होते जा रहे हैं। सारी चीज़ें ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे ही मिल जाए, मिल तो जाते हैं लेकिन उसको दिखाने में और खुद देखने में बहुत अंतर है, ठीक है। तो जाके देख भी आओ और फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।